सारी तैयारियां हो चुकी थी, पेपर साइन हो चुके थे, ऐसा लगता है मुंह तक आया हुआ निवाला छीन लिया किसी ने। वो कोई और नहीं बल्कि वो कल की आई हुई नौकरानी गौरी है। मैं बता रही हूँ उसी ने ही पेपर्स चोरी किए हैं। जब से वो इस घर में आई तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। आई एम श्योर वो पेपर्स भी जरूर उसी ने चुराए हैं। हमें तो पहले दिन से ही उस पे शक था। वामिका, वामिका, वामिका। अपनी पर्सनल खुलनेस को इस सब में लाने की कोई जरूरत नहीं। क्या हासिल होगा एक अनपढ़ गवार लड़की को वो पेपर्स चुरा कर? जस्ट यूज योर ब्रेन। मॉम तुम विश्वास क्यों नहीं कर रही हो मेरा? सच में पागल हो चुकी है लड़की और हम पागल हो जाएंगे ये पेपर्स ढूंढ ढूंढ के। हमें जया मां पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है इस महल में। और जयमा और वामिका इनका साथ कुछ समझ नहीं आ रहा। बस कृष्णा बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब पता लगाना ही होगा हमें। गए कहाँ ये पेपर्स? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि तुम क्या सोच रही हो। लेकिन मैं मामा जी की सिचुएशन का आपको फायदा नहीं उठाने दूंगा। क्योंकि उनका फायदा आप उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये पेपर साइन करवाए थे ताकि आप जैसे लोग उनका फायदा ना उठा सके। क्या कर लेंगे आप? देवराज को बताएंगे? जाइए बता दीजिए। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है देवराज आप पे आंख बंद करके भरोसा करता है, लेकिन एक दिन उसका भ्रम टूटेगा, कभी ना कभी जरूर टूटेगा। तब तक मेरी नजरें आप पे रहेंगी जया। हाँ कल के कल ही हम पूरे सच का पता लगा के रहेंगे बिहारी जी। बस हमें आशीर्वाद दीजिए बिहारी जी कि हम अपने मकसद में सफल हों। कोई है? कोई है? महाराज ने सामने काट लिया है। डॉक्टर साहब, पापा कैसे हैं आप? खतरे की तो कोई बात नहीं? नहीं नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। सांप इतना जहरीला नहीं था, लेकिन इतना जहरीला था कि तबीयत खराब करने के लिए काफी था। थैंक्स टू हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो महाराज जी के शरीर में जहर फैलने नहीं दिया और सूझबूझ से काब लिया, महाराज जी के हाथों को कस के बांध दिया और जहर निकाल दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इन्होंने आपके पिताजी को एक नई जिंदगी दी है हुकुम। हाँ, ये मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं और थोड़ी बहुत कमजोरी होगी, आई डोंट माइंड, ये नॉर्मल है, प्लीज टेक इट। थैंक यू सो मच गौरी, पापा की जान बचाने के लिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी, ये तुम्हारा फर्ज था, मरने या महाराज जी की सेवा करने के लिए तो रखा गया है। देवराज सही कह रहे हैं, आज सिर्फ देवराज और हम ही आपके ऋण के नीचे नहीं दब गए,
आज तो पूरा का पूरा अंबिकापुर आपका एहसानमंद है। जो आपने महाराज के लिए किया उसकी कीमत तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि आज से आपकी तनख्वाह डबल, नहीं 3 गुना हो जाए। आज से आप इस घर में सिर्फ काम करने वाली कोई इंसान नहीं है, इस परिवार की सदस्य है आप। थैंक यू। जयमा इतनी अच्छी है, हमेशा सबको इज्जत सबको मान देती आई है। आज तक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है उन्होंने। और देवराज सर भी उन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हमारा दिल नहीं कहता कि जयमा पापा का, देवराज सर का, इस परिवार का बुरा चाह सकती है, लेकिन फिर वो बाल और डीएनए टेस्ट वो मैच कैसे हो सकता है? नहीं, कुछ भी हो जाए हमें आज के आज इस बात का पता लगाना होगा। बिहारी जी, हमने आपके सामने ही प्रतिज्ञा ली थी कि आज हम कैसे भी जया माँ का सच बाहर निकाल के रहेंगे। प्लीज हमारा प्लान कामयाब होने में हमारी मदद कीजिए बिहारी जी। बिहारी जी प्लीज। गौरी, ये क्या है? जे एक महान वैद्य है जी, चंद्र प्रकाश जी, उनकी दी हुई जड़ी बूटी है। आज मैं खास उनके पास गई थी, मैंने उनको महाराज जी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बोला कि ये जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर महाराज जी को पिलाओ और महाराज जी की ना याददाश्त वापस आ जाएगी। अच्छा, याददाश्त वापस आ जाएगी इससे? मैं मजाक ना कर रही, मैं सच कह रही हूँ। बहुत महान है जी चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं वो। आपको मेरे पे विश्वास ना हो रहा ना, तो मैं बताती हूँ, कल महाराज जी की याददाश्त वापस आ जाएगी और नहीं आई ना तो मैं अपना सब कुछ हारने के लिए तैयार हूँ जी। और अब तो इस जड़ी बूटी को काना जी का आशीर्वाद भी लग गया है। गौरी, महाराज जी के केस में बड़े बड़े डॉक्टर्स हार चुके हैं, हाथ उठा चुके हैं, और तुम ये कहना चाहती हो कि कुछ जड़ी बूटी के टुकड़े कूट कर तुम महाराज जी को खिलाओगी और उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी? अच्छा, तो आप ना हमारे साथ शर्त लगा लो जी, कल महाराज जी की याददाश्त वापस आ जाएगी। और गौरी कभी वो शर्त ना लगावे जिसमें वो जीते ना, कल गौरी जीतेगी जी। हम फालतू की चीजों पे भरोसा नहीं करते गौरी, तुम्हें दिन में सपने देखने की आदत है। तुम देखो, हम सपने नहीं देखते जी। मैं मजाक ना करी, मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छा इलाज। बिहारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जया माँ के लिए इस बात को सच मानना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने ये बात सच नहीं मानी तो हम अपने प्लान में कामयाब कैसे होंगे? ये लो माँ, ये सारे पेपर्स लॉयर से दोबारा बनवाए मैंने। अब कैसे भी करके उस बुड्ढे के साइन इन पेपर्स पे ले लेना, और प्लीज इस बारी पेपर्स खोना मत। माँ, क्या हुआ? वो गौरी। क्या गौरी? वो ये कह रही थी कि वो किसी वर्ल्ड फेमस पता नहीं सम रबिश कोई वैद्य के पास गई थी, वहां से कोई जादुई जड़ी बूटी लाई, रात भर उसका काढ़ा बनाकर उसे ठंडा कर बुड्ढे को पिलाएगी। हाँ, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही थी। ये कह रही थी कि उस काढ़े से 100% बुड्ढे की याददाश्त वापस आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया ना वामिका, अगर 1% भी वो बात सच है तो हमारा बैंड बच जाएगा। तुम क्या बोल रही हो माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
उस बुड्ढे की याददाश्त वापस नहीं आएगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? ना, बिल्कुल नहीं, ये रिस्क लेने लायक बात है ही नहीं। एक काम करो, इन पेपर्स पे बुड्ढे के दस्तखत तुम करवाओ, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। पेपर्स पे साइन लिए बिना वापस नहीं आना, समझे? जाओ। ओके।